नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे। तो जी हाँ, आप लोगों को शायद ये जानकारी पहले मिल चुकी है कि जो स्टाइफन है, जो फेलोशिप है, आप सभी का रिवाइज हो चुका है। और अब आप इनमें से जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, उस कैटेगरी के हिसाब से अब आपका रिवाइज जो फेलोशिप होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। तो एक बार फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं ये जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कि अगर आप CSIR HRDG की वेबसाइट पर जाते हो तो आपको रिवाइज्ड फेलोशिप के एक PDF मिल जाएगी, जिसमें अभी बहुत जल्दी इस PDF के थ्रू ये कह दिया गया है कि जो भी फेलोशिप आपको मिलेगा वो DBT के थ्रू मिले, ICMR के थ्रू मिले, जो भी अलग अलग फंडिंग एजेंसीज हैं उन सभी फंडिंग एजेंसीज को एक साथ रखते हुए फेलोशिप प्रोग्राम को रिवाइज कर दिया गया है। और इसमें अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखें तो 19% के आसपास का इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इस इम्प्रूवमेंट से, इस चेंज से क्या फ़ायदा हो रहा है आपको? अगर आप GRF क्वालिफाई होते हैं, CSIR नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होते हैं, तो जो शुरुआती फेलोशिप का अमाउंट था, अगर आप बात करें, अगर आप CSIR नेट GRF क्वालिफाई होते हो, सबसे पहली कैटेगरी वही है, तो आपको पहले 2 साल, first 2 years, आपको 31,000 रुपये तक का फेलोशिप मिलता था। और इसमें बाद में फिर HRA और बाकी सब चीज़ें भी एड ऑन हो सकती हैं। फिर बाद में जैसे ही आप 2 साल के बाद थर्ड ईयर और उसके आगे की बात करते हो, तो फिर ये बढ़ करके 35,000 तक हो जाता था पर मंथ। लेकिन रिवाइज होने के बाद ये अमाउंट अच्छा खासा बढ़ चुका है, 7,000, मतलब अप्रॉक्सीमेट अगर आप देखें 6,000 का डिफरेंस आ चुका है। सो 31 से ये हो चुका है 37। पहले 2 साल आपको 37 पर मंथ मिलेगा और उसके बाद ये बढ़ करके सीधे 42 हो जाता है ना। तो एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है GRF के अमाउंट में, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर आप ये पर मंथ पा रहे हैं, तो एक बार ज़रा फुर्सत से बैठ करके 5 साल तक अगर ये फेलोशिप आपको मिलने वाली है, शुरुआत के 2 साल में कितना मिलेगा, फिर बाकी के बचे 3 साल में कितना मिलेगा, अमाउंट के हिसाब से एक बार कैलकुलेशन ज़रूर कर लेना, ताकि आपको समझ में आए कि अगर आप GRF क्वालिफाई होते हो तो आपको कितना बड़े अमाउंट का बेनिफिट गवर्नमेंट आपको देती है आपके फर्दर स्टडीज़ के लिए, PhD के लिए। ऐसे ही GRF गेट कैटेगरी में भी अगर आप, मान लीजिए गेट के थ्रू अगर आपको फेलोशिप मिलती है, तो भी आपको इसी अमाउंट के आसपास फ़ायदा मिलेगा, है ना। देन अलग अलग जो कैटेगरीज होती हैं, SPM होता है या फिर SRF है, और RA कैटेगरीज हैं, उनको लेकर के भी बहुत सारे कह सकते हैं कि स्टाइफन को बढ़ा दिया गया है, अपग्रेड कर दिया गया है। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम वंस यू क्वालिफाई CSIR नेट एग्ज़ाम, ठीक है। तो अब इतनी बड़ी बात है, अगर CSIR नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से मैं 5 साल में 10-20 लाख रुपए तक कमा सकता हूँ, तो क्यों नहीं इस एग्ज़ाम को टारगेट किया जाए, है ना। और क्यों ना CSIR नेट आप GRF के थ्रू, स्पेशली ICMR GRF के थ्रू, DBT GRF के थ्रू भी यही बेनिफिट पा सकते हो। तो मुझे लगता है कि किसी लाइफ साइंस एस्पायरेंट के लिए आज के समय में जो सबसे बड़ा एक मौका है, वो है किसी GRF एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेना, और ये जो आपको मिलने वाला है आपका हक है ना, उसको लेना। और काफ़ी सारा कुछ है जो आप इसमें से बचा भी पाओगे 5 साल के भीतर। तो अगर आप चाहते हो कि इनमें से कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, तो हमारी 3 तारीख से बैच भी आ रही है, ऑलरेडी आपको बता रखा है। उसी के साथ साथ आपको एक चीज़ की और मुझे कह सकते हो धन्यवाद करना है कि IFS क्लासरूम हमने न्यू अवतार में लाया, बहुत सारे नए फीचर्स के साथ लाया। अगर किसी को ये बात नहीं पता है, तो इससे रिलेटेड एक वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी है, उसको देख लीजिएगा। लेकिन जिन लोगों ने देखा और इतना सारा प्यार दिया, रिस्पॉन्स दिया IFS क्लासरूम में न्यू अवतार को, हमारे इस नए प्रोग्राम को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे बच्चों के रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, और अब ये जो बैचेस आ रही हैं, इसमें डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा जो है स्टूडेंट्स जुड़ने वाले हैं, और जुड़ करके बहुत सारी प्रिपरेशन करने वाले हैं। इसी के साथ अंतिम जानकारी एक और है जो मुझे देनी है, और वो ये है कि 3 तारीख से बैच आ रही है, जो जून 2024 को टारगेट कर रही है, 3 तारीख से, 3 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये कौन कौन से डिपार्टमेंट में आ रही है? सारे डिपार्टमेंट्स में आ रही है, ध्यान रखिएगा। आप पुणे ज्वाइन कर सकते हो, जोधपुर ज्वाइन कर सकते हो। पुणे जोधपुर के फीस में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक बार हमारे काउंसलर से कन्फर्म कर लीजिएगा। दूसरा, इस बैच में बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, क्योंकि IFS क्लासरूम इन न्यू अवतार, थैंक यू फॉर दैट। दूसरी चीज मुझे यह आप सभी के साथ शेयर करनी है कि इस बैच के साथ अगर कोई जुड़ता है, तो आपको 3 महीने दिसंबर तक का जो एग्जाम है वो वाला पोर्शन के लिए कोई फीस नहीं देनी है, मतलब 6 महीने की फीस ही भरनी है, लेकिन आपको 9 मंथ प्रिपरेशन का ड्यूरेशन मिलेगा। सोचो कि सितंबर खत्म हो चुका, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने जो आप पढ़ोगे,
तीन महीने जो भी क्लासरूम में होगा दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। उसके बाद आपकी प्रिपरेशन तो एक्चुअली शुरू होती है एग्जाम के बाद जनवरी से, तब जून के एग्जाम के लिए आप टारगेट करोगे। तो अगर आप इस बैच से जुड़ते हो ना तो आपका तीन महीने का ड्यूरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तीन महीने जो भी पढ़ाया जाएगा वो आप फ्री में पढ़ोगे और वही टॉपिक आपके फिर से वापस से रिवाइज होंगे जब आप जनवरी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे। तो कुल मिलाकर के इतनी सारी चीज़ें हैं इस बैच के अंदर, और मुझे लगता है कि इतने बड़े अमाउंट को कैलकुलेट करने के बाद हर किसी का मन बन जाना चाहिए एक बार कि क्यों ना चलो ऐसी जगह जाकर के तैयारी करते हैं जहाँ से एक बार में हमारा JRF क्वालिफाई हो जाए, और फाइनली इतना बड़ा बेनिफिट अगर गवर्नमेंट देने को तैयार है तो हम क्यों पीछे हटे, है ना, हमें भी लेने के लिए तैयार होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर दैट। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके काम की होगी और फाइनली ये इन्फॉर्मेशन आपको इस डिसीजन को लेने में हेल्प करेगी कि हमें भी इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए सो व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर अ प्रिपरेशन, IFS और IFS क्लासरूम प्रोग्राम से बढ़िया कोई ऑप्शन शायद ही आपके पास हो। क्यों? क्योंकि अभी तक के सारे टॉप रिजल्ट यहीं से आते हैं, ठीक है, राइट। बाकी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप IFS के साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो, क्लासरूम में भी जुड़ सकते हो, पुणे भी आ सकते हो, जोधपुर भी जा सकते हो, आपकी इच्छा आपकी कन्वीनियंस, लेकिन डोंट मिस दिस अमाउंट, है ना, ये अमाउंट मिस मत करना। थैंक यू सो मच।